ये वेरिएबल मास वाला डिस्कशन मैं कर रहा हूँ, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, स्पेशली क्या फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए। कई सिचुएशन होती है, एक तो होता है कि रॉकेट का सिचुएशन है, या प्लेट के ऊपर पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, प्लेट के डायरेक्शन में स्ट्राइक कर रहे हैं, प्लेट के अपोजिट स्ट्राइक कर रहे हैं, प्लेट पे एक्सटर्नल फोर्स भी है, रॉकेट पे एक्सटर्नल फोर्स भी है, कई तरह की सिचुएशन हो सकती हैं। तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम याद रखें जो एग्ज़ाम में हम फटाफट क्वेश्चन कर सकें। अब आप देखेंगे रॉकेट का डेरिवेशन है, डिफरेंट बुक्स में अलग है, और उसमें भी कहीं पे डी एम अपॉन डी टी को माइनस डी एम कर देते हैं एंड में जाके, जिससे बच्चों को फ्रस्ट्रेशन होता है कि ऐसा क्यों किया। उसको समझने में थोड़ा सा कंसेप्चुअली वो एकदम से स्ट्राइक नहीं करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बुक में गलत है, बुक में सही है। मैंने एक वीडियो उस पर डाला हुआ है, उसको मैंने एक अलग तरह से किया है, और मुझे लगता है वो लॉजिकल ठीक भी है, उसको एक्सेप्ट करने में ईजिली एक्सेप्ट कर सकते हैं उस लॉजिक को। एनी वे, नॉट डाइग्रेसिंग फर्दर, मैं इस फॉर्मूले पे आता हूँ। जो वेरिएबल मास वाला जो फॉर्मूला है, हम इस टाइप से लिखते हैं। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम माने, हर चीज़ को, फिजिक्स को आप बिना कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोई फॉर्मूला मत देखिए। अब ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें हमारा यू का डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स है, और एफ एक्सटर्नल भी अलॉन्ग एक्स है। तब ये फॉर्मूला है एम डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल प्लस वी रिलेटिव। अब यहाँ पे प्लस माइनस में बड़ा झमेला है, डी एम अपॉन डी टी। अब हीरोडो की बुक में अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक म्यू मिलेगा और यहाँ पे फिर एक वो माइनस मिलेगा, तो उससे भी बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। मैं लेट अस स्टिक टू दिस फॉर्मेट, डिपेंड करता है हम किसको किस तरह से किस चीज़ को किस साइन में लिखते हैं, उस पर डिपेंड करता है हम फॉर्मूला। तो हम एक अपना नोट्स बना लें, अपना एक स्टैंडर्ड फार्मूला बना लें कि हम ये यूज़ करेंगे, और इस हर उस फॉर्मूले में हर चीज़ का हमें पता होना चाहिए, उसका साइन कन्वेंशन क्या लेंगे। तो पहले रॉकेट वाली चीज़ पे आते हैं। रॉकेट के केस में प्लेट्स पे भी आऊँगा, प्लेट में स्ट्राइक करता है, डिपॉजिट हो सकता है या गिर सकता है, वाटर का जेट है तो डिपॉजिट नहीं होगा, डस्ट पार्टिकल है तो डिपॉजिट होंगे, वो सब केसेस भी मैं जस्ट मेंशन करूंगा पासिंग में। रॉकेट के केस में ये डी एम अपॉन डी टी की जब हम वैल्यू रखेंगे, ये इस तरह से आप सोचिए जैसे लेंस का फॉर्मूला होता है, वन अपॉन वी वन अपॉन यू के टर्म्स में जो लेंस का फॉर्मूला होता है, उसमें जब वैल्यू रखते हैं तो साइन रखते हैं। तो यहाँ पे डी एम अपॉन डी टी की जब वैल्यू रखेंगे रॉकेट रॉकेट के केस में, तो नेगेटिव रखेंगे। अगर दिया हुआ है रॉकेट का मास चेंज हो रहा है 5 kg/s, तो वो वैल्यू जो है यहाँ पे -5 हो जाएगा, डी एम अपॉन डी टी का वैल्यू जो है नेगेटिव आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ नेगेटिव मैं लगा दूंगा, उसका वैल्यू यहाँ नेगेटिव रखूंगा। अब वी रिलेटिव देखो आप, उसको किस तरह से लिखना है इस फॉर्मूले में। जब आपका जेट पीछे से एग्जिट कर रहा है तो थ्रस्ट दे रहा है नेचुरली, ये एक वी ए है। मैं वी रिलेटिव फॉर्मूले में लिख रहा हूँ, जैसे हम लेंस का फॉर्मूला लिखते हैं उस तरह से मैं इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं वी रिलेटिव ना लिख के वी ए लिखूंगा। वी ए जो है वो जेट की वेलोसिटी है, या वी जे लिख लेता हूँ, ज़्यादा कन्विंसिंग लगेगा, वी जे। वी जे जो है जेट की वेलोसिटी है इस बॉडी के रिस्पेक्ट में, और बॉडी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। सो वी जे अगर यू के अपोजिट है, वी जे अगर यू के अपोजिट है, तो यहाँ वी रिलेटिव की वैल्यू रखनी है -vj। देखिए आप, ये माइनस में है, इसका वैल्यू भी नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्सलरेट होना चाहिए ना रॉकेट। सपोज एफ एक्सटर्नल नहीं भी होता, तब इस सिचुएशन में रॉकेट एक्सलरेट होगा, तभी होगा जब ये चीज़ पूरी पॉजिटिव है। तो इससे दिमाग में बिठा के भी याद कर सकते हैं, क्योंकि डी एम अपॉन डी टी तो हमेशा नेगेटिव है। और वैसे भी आप लॉजिकली याद करने के लिए देखिए, जब यू के अपोजिट है अगर वी जे, वी जो है रिलेटिव है, नॉट ये जो है एब्सोल्यूट फ्रेम में गैस की वेलोसिटी नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में है, लेकिन इसके अपोजिट है, तो यहाँ नेगेटिव रखेंगे वी रिलेटिव को। और अगर वी जे सपोज हम जेट, ये भी तो हो सकता है कि हम जेट आगे से छोड़ दें, ब्रेक करना होगा तो आगे से छोड़ देंगे ना जेट को, तो ब्रेक होगा रॉकेट। ये वी जे है और ये यू है, और वी जे और यू सेम डायरेक्शन में है, तब हम जो है प्लस वी जे लेंगे। सो माइनस लेना है जब अपोजिट डायरेक्शन है, याद रखने में भी आसान है, और प्लस वी जे लेना है जब सेम डायरेक्शन में है।
और डी एम अपॉन डी टी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही रखनी है। तो ये तो हो गया रॉकेट का केस। अब लेते हैं प्लेट्स का केस। प्लेट में पहली बात तो ये मैं जेट की जो वेलोसिटी लिख रहा हूँ, ये वीजे का मतलब है इसके रिस्पेक्ट में गैस के मॉलिक्यूल किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, वो है वीजे। तो पहले तो वीजे निकालना है दोनों केसेस में। केस ए लेते हैं जिसमें उसी डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये केस बी है। केस बी को मैं इधर लिखूंगा। सपोज ये वी गैस है और ये प्लेट का वेलोसिटी है। वी गैस जो एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी वीजी है। तो जो वीजे होगा मॉडुलस ऑफ वीजी माइनस यू, और वीजी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन यू। मॉडुलस इसलिए लिख दिया क्योंकि आप यू माइनस वीजी करेंगे तब भी स्ट्राइक ही तब करेगा जब वीजी से ग्रेटर होगा, वरना तो फिर बात ही नहीं बनती। अगर वीजी यू से लेस होगा वेलोसिटी तो कोई लॉजिक ही नहीं है, वो स्ट्राइक ही नहीं करेगा, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल ही नहीं होगा। फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होगा जब वीजी ये गैस स्ट्राइक करेगा। तो एक तो वीजे की ये वैल्यू हो गई। अब देखिए इस इन वाली सिचुएशन में दोनों में डी एम अपॉन डी टी हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि प्लेट में से कुछ नहीं निकल रहा है। प्लेट पे आके या तो स्टिक हो जा रहा है या वाटर का जेट है तो सीधा गिर जाएगा इधर। तो डी एम अपॉन डी टी हमेशा पॉजिटिव है, इसकी तरफ आ रहा है, इस पे आ रहा है, निकल नहीं रहा है। तो अगर फॉर्मूले में वापस जाएं, एम डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल प्लस वी रिलेटिव डी एम अपॉन डी टी है। ये हमेशा पॉजिटिव है। प्लेट में जब इस तरह से आके जेट लगेगा तो एक्सेलरेट होना चाहिए ना। सपोज फोर्स नहीं भी होता तो एक्सेलरेट होना चाहिए, मीन्स ये चीज़ पॉजिटिव आनी चाहिए। मीन्स वी रिलेटिव की वैल्यू रखोगे आप प्लस वी जे व्हेन वी जे इज टूवर्ड्स यू, सेम डायरेक्शन, वही चीज़ आई ना, सेम डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव रखा था, सेम डायरेक्शन। और वी रिलेटिव को आप रखोगे, वी रिलेटिव को आप रखोगे माइनस वी जे व्हेन अपोजिट डायरेक्शन। सपोज ये वी जे है, वी जे आप ध्यान रखिए एक वैल्यू है जो दिखाती है कि क्या रिलेटिव वेलोसिटी है गैस मॉलिक्यूल्स की इस प्लेट के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे जो वी रिलेटिव है जनरल टर्म है, जैसे लेंस का फॉर्मूला है ना, ऐसे समझ लीजिए आप। उसमें आपको फर्दर साइन के साथ वैल्यू रखनी है, लेंस के फॉर्मूले से कंपेयर करके आप इसको याद करने की कोशिश कीजिए। वी जे निकालने का तरीका, पीछे से जब स्ट्राइक कर रही है तो ये मेथड बोला मैंने। सपोज जब आगे से स्ट्राइक कर रही है तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। सपोज ये गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है और इसके प्लेट के फ्रंट में है, तो वी जे की वैल्यू होगी यू प्लस वी गैस। अगर वी गैस जो है प्लेट के अपोजिट मूव कर रही है, वीजे के, उससे कंफ्यूज मत करना, ये अलग चीज़ है। वीजे जो है पीछे से आ रही है तो प्लेट की तरफ ही मूव करेगी और प्लेट से ज़्यादा होगी, लेकिन जब प्लेट के सामने से आ रही है तो प्लेट की तरफ भी मूव कर सकती है और प्लेट के अपोजिट भी मूव कर सकती है। जब प्लेट की टुवर्ड्स प्लेट मूव कर रही है तो वीजे की वैल्यू ये है। वीजे की वैल्यू आ गई, मॉडुलस ही लिख लीजिए आप, ये मैग्नीट्यूड मैं निकाल रहा हूँ सिर्फ, साइन नहीं। और क्योंकि वीजे जो है जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो यू के अगेंस्ट है, तो वीजे की वैल्यू हम नेगेटिव लिखेंगे। यहाँ फॉर्मूले में जब लिखेंगे ये जो रिजल्ट आएगा उसको नेगेटिव करके यहाँ लिखेंगे। और अगर ये वीजी ऐसे है तो वीजे की वैल्यू आएगी यू मॉडुलस यू माइनस वीजी, और इसमें यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन वीजी, तभी तो स्ट्राइक करेगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू कर दीजिए, तभी तो स्ट्राइक करेगा, अदरवाइज तो स्ट्राइक ही नहीं करेगा। अगर गैस उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है और यू से बड़ी है और प्लेट के आगे है तो स्ट्राइक नहीं करेगा। तो जब सेम डायरेक्शन में है तो आएगा यू माइनस वीजी। लेकिन अनलाइक दिस केस जिसमें ये वाला जो है राइट, नॉट अनलाइक, आगे से जब स्ट्राइक कर रहा है तो वीजे हमेशा जो है, जब भी स्ट्राइक नहीं करेगा तो अलग बात है, जब भी स्ट्राइक करेगा तो वीजे जो है यू के अपोजिट ही होगा,
सो आगे से जब स्ट्राइक कर रहा है तो नेचुरली हमेशा नेगेटिव ही आएगा। सो वी रिलेटिव की वैल्यू नेगेटिव आएगी अगर अगर ये जो रिलेटिव वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो यू के अपोजिट है और रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन यू के साथ है तो पॉजिटिव आएगा। सो फार्मूला एक ही है, पैटर्न एक ही है, तो हमें याद करने में आसान रहेगा। एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर पिस्टन का मास चेंज हो रहा है, पिस्टन है अब या ये जो है प्लेट है, तो स्मॉल एम लिखेंगे, लेकिन अगर वाटर जेट आके लग रहा है तो वाटर यहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, तब ये एम जो है कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन स्ट्राइक करने वाला हमेशा रहेगा। पानी आके हमेशा लग रहा है, उस पर चिपक सकता है, इसके मास को बढ़ा सकता है, लेकिन पानी आके हमेशा लगेगा। गैस मॉलिक्यूल तो आके चिपक भी सकते हैं और रिबाउंड भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तब रिबाउंड वाले केस में फॉर्मूला नहीं लगेगा। रिबाउंड वाले केस में ये फॉर्मूला आप मत लगाइए, उसका एक अलग ही मेथड है। रिबाउंड वाले केस में आप ये फॉर्मूला मत लगाइए। ये फॉर्मूला लग रहा है जब रिबाउंड नहीं कर रहा है, इधर स्टिक कर रहा है या लग के, जैसे वाटर जेट है, लग के गिर जा रहा है। तो एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारा हुआ, एम डी यू अपॉन डी टी इजल टू एफ एक्सटर्नल, प्रोवाइडेड एफ एक्सटर्नल इज टूवर्ड्स यू, प्लस वी रिलेटिव, डी एम अपॉन डी टी। एंड वी रिलेटिव की वैल्यू जो है, वी जेट है, पॉजिटिव रखना है व्हेन टूवर्ड्स यू, और नेगेटिव रखना है वेन अपोजिट टू यू। और वी जेट की वैल्यू कैसे निकालनी है प्लेट के केस में, मैंने लिख के दिखा दिया है। और डी एम अपॉन डी टी जो है रॉकेट में हमेशा नेगेटिव है और प्लेट के केस में हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि प्लेट से मास नहीं लग रहा है, नहीं निकल रहा है, मगर प्लेट में आके मास लग रहा है। तो इस अप्रोच को फॉलो करके आप कर सकते हैं, लेकिन आप बुक्स को जरूर रेफर कीजिए, अपने एक्सपर्ट्स के साथ रेफर कीजिए, आपको ठीक लगे तो अडॉप्ट कीजिए, बट गिव अ थॉट टू इट।